गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शालूक, आपका दोस्त, और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रैटिट्यूड इन हिंदी में। आज मैं आप लोगों को डॉक्टर जोसेफ मर्से की लिखी एक बहुत ही लाजवाब बुक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाएं से आप लोगों को कुछ बातें बताऊँगा, कुछ बातें शेयर करूँगा। बुक डॉक्टर जोसेफ मर्से की लिखी गई बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को आप भी से हो सके तो आप ज़रूर पढ़ें इसको। आज मैं आप लोग से इसके अंदर टोटल 12 अध्याय हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर वन से कुछ बातें बताऊंगा, इस बुक से शेयर करूंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो में बने रहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले व्हाट आर द थ्री थिंग्स यू आर थैंकफुल फॉर, इसे ज़रूर लिखें कि आज के दिन आप ऐसे तीन चीज़ों के नाम ज़रूर लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। तो चलिए पहले उसे लिख लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं जो आप लोगों से डिस्कस करूँगा उसका टॉपिक है आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग बुक में आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर जोसेफ मर्से ने क्या सिखाया, क्या बताया हम लोगों को। तो वीडियो में बने रहें, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। पेज नंबर 14, हम जो हासिल करते हैं और जो हासिल नहीं कर पाते हैं वो हमारे खुद के विचारों के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। ये न्यायपूर्ण ढंग से व्यवस्थित सृष्टि है जहाँ संतुलन हटाने का मतलब पूर्ण विनाश होगा। इसलिए हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूरी है। हमारी कमजोरियां और शक्तियां, शुद्धता और अशुद्धता सिर्फ हमारी है और कभी किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं है। वो किसी दूसरे के नहीं बल्कि हमारी द्वारा लाई जाती है, यानी हमारे विचार, ठीक है। वो कभी दूसरे के नहीं बल्कि सिर्फ हमारे द्वारा ही बदली जा सकती है। यहाँ पर हम लोग विचार के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वो कभी किसी दूसरे के नहीं बल्कि सिर्फ हमारे द्वारा ही लाई जा सकती है और हमारे द्वारा ही बदली जा सकती है। हमारी सारी खुशी और दुख अंदर से आता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा दुख बाहर इसके वजह से हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है, उसने कुछ कह दिया इस वजह से मैं दुखी हूँ, उसने हमारे साथ बुरा किया इस वजह से मैं दुखी हूँ, उसने मेरे साथ अन्याय किया इसलिए मैं दुखी हूँ। नहीं, डॉक्टर जोसेफ मर्से अपने बुक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाया में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सारी खुशी और दुख अंदर से आती है। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं। तो देखिए डॉक्टर जोसेफ मर्से भी वही बात कह रहे हैं कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं। और ये बात हर किसी ने कहा है, हर किसी ने दोस्तों। गौतम बुद्ध का बात आप उठाकर देख लें, जीसस का बात उठाकर आप देख लें, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात उठाकर देख लें, हर किसी ने अपने अपने अंदाज से इस बात को ही हमें समझाया है कि जैसा सोच होगा, जैसा नियत होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा हम सोचना जारी रखते हैं वैसे ही हम बने रहते हैं। जैसे ही हम सोचना जारी रखते हैं वैसे ही हम बने रहते हैं। ऊपर उठने, जीतने और सफलता हासिल करने का एकमात्र तरीका ये है कि हम अपने विचारों को ऊपर उठा लें। एकमात्र कारण हमारे कमज़ोर, दीनहीन और दुखी बने रहने का ये होगा कि हम अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार कर दें। हमारी उपलब्धियाँ चाहे वो व्यवसाय में हो, बौद्धिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, निश्चित और निर्देशित विचार का परिणाम है, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, ठीक है। लेकिन उसका वो किसका परिणाम यहाँ पर बताया जा रहा है, वो किसका परिणाम है, वो हमारे विचारों का ही परिणाम है। उन पर भी वही नियम लागू होता है और उनका तरीका भी वही है। एक लौता अनंत हासिल करने वाली वस्तु में निहित है। जो लोग कम हासिल करना चाहते हैं उन्हें कम त्याग करना होगा। जो लोग ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा
त्याग करना होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा त्याग करने होगा। नव विचार का अर्थ है नया जीवन, एक ऐसी जीवन शैली जो ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा सुखद है, साथ ही हर संभव तरीके और अभिव्यक्ति में ज़्यादा संतुष्टिदायक भी है। नवजीवन युगों पुराने सर्वव्यापी मानसिक नियमों पर आधारित है। ये हर व्यक्ति के हृदय तथा मस्तिष्क के भीतर की असीम आध्यात्मिकता के तरीके पर आधारित है। दरअसल नव विचार में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि मानव जाति जितना ही प्राचीन है, ये हमारे लिए नया तब है जब हम जीवन के सत्य ऐसे खोजें जो हमें गरीबी सीमा और दुख से मुक्त कर दे। उस पल नव विचार आंतरिक सृजनात्मक शक्ति मस्तिष्क सिद्धांत की बारंबार व्यापकता बन जाता है। ये बनने करने और हमारी ज़्यादा व्यक्तिगत व नैसर्गिक योग्यताओं रुझानों और गुणों को अधिक व्यक्त करने की हमारी दैवी क्षमता को जागरूकता बन जाता है। विश्वास के अनुरूप ही हमारे लिए किया जाता है अच्छा बुरा तथस्थ। नव विचार का सार हमारे मस्तिष्क का सतत नवीनीकरण है, ताकि हम उसे साबित कर सकें जो अच्छा है, जो स्वीकारनीय है और जो ईश्वर की आदर्श इच्छा है। ज़रूरत सिर्फ खुले दिमाग और इच्छुक हृदय की है, जो पुराने सत्य को नए और भिन्न ढंग से सुनने की प्रति खुला हो। ज़्यादा ऊंची दृष्टि होना ये भीतर उपचारक उपस्थिति होना है। हमारे मस्तिष्क का नवीनीकरण ही नव विचार का पूरा उद्देश्य और अभ्यास है। इस निरंतर दैनिक नवीनीकरण के बिना कोई बदलाव नहीं आ सकता। छोटे से जो हम लोग बड़े होते हैं, तो हमारे माइंड में जिस तरह की माहौल में, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, उसका एक छाप हमारे माइंड में पड़ जाता है। तो इस वजह से हमारा और हम लोग अक्सर किस तरह के माहौल में रहते हैं, नेगेटिव माहौल में। पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव माहौल बहुत आपको कम ही मिलेगा, है ना। उस पॉजिटिव इसी वजह से, यही तो कारण है कि हम लोग पॉजिटिविटी खोजने के लिए इस तरह की वीडियो देखते हैं, इस तरह की वीडियो सुनते हैं, इस तरह की बुक्स हम लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे आसपास बहुत कम है। दोस्तों आप आसपास ज़्यादा अगर नज़र उठा के देखोगे तो ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? शिकायत मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगा, हाँ वो चीज़ें मिलेगी जो आपके विचार को और ज़्यादा नीचे ले जाती है। तो यहाँ डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क का नवीनीकरण ही नव विचार का पूरा उद्देश्य और अभ्यास है। इस निरंतर दैनिक नवीनीकरण के बिना कोई बदलाव नहीं आ सकता। असली नव विचार नए नज़रियों को पूरी तरह स्थापित करता है, जो अधिक समृद्ध जीवन को प्रेरित करता है और हमें दाखिल होने में समर्थन बनाता है। हमारे भीतर चुनाव करने मतलब अच्छा या बुरा, ठीक है, कौन सा चुनाव हम करते हैं, अच्छे ख्याल अच्छे विचारों का चुनाव करते हैं या बुरे विचारों का चुनाव करते हैं। निर्णय लेने, जब हम लोग विचार कर चुके हैं तो उस पर हम लोग निर्णय भी लेते हैं, तो वो निर्णय लेना, हाँ, और करने की और उस निर्णय पर काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता किसके पास है? दूसरों के पास नहीं है दोस्तों, तो हमारे पास ही है। और अनुसरण करने का कायाकल्प या कायाकल्प करने का पूर्ण स्वतंत्रता किसके पास है? हमारे भीतर ही है। अनुसरण करने का मतलब है उसके अनुसार जीना जो पहले हो चुका है या जिसे पहले रूप दिया जा चुका है, जो दिखता है और हमारी खुद की इंद्रियों, विचारों, राय, विश्वासों और दूसरों के फरमानों के लिए स्पष्ट है। हमारे चारों ओर अन्याय, अनुचित चीज़ें और असमानताएँ हैं। हम कई बार उनमें खुद को संलग्न पा सकते हैं और हमें साहस तथा ईमानदारी से उनका सामना करना चाहिए तथा अपने पास मौजूद अखंडता व बुद्धिमानी के साथ उन्हें हल करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करनी चाहिए। मस्तिष्क का नवीनीकरण जो हमें अपने कायाकल्पकारी जीवन में सहभागी बनने में सक्षम बनाता है। कायाकल्प का अर्थ है एक परिस्थिति या अवस्था से दूसरे में बदलना। ये गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर और ज़्यादा संतुष्टिदायक है। सच है कि कुछ चीज़ों को नहीं बदल सकते। ग्रहों की गति, मौसम की परिवर्तन, समुद्र
और ज्वार भाटे का आकर्षण, सूर्य का उगते और डूबते हुए दिखना, ना ही हम किसी दूसरे के मन और विचार को बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं, है ना। यहाँ पर डॉक्टर जोसेफ मर्फी क्या कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो फिक्स्ड है, इसमें हम लोगों का कोई जोड़ नहीं है दोस्तों, जिसको हम लोग कभी बदल नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ ऐसा है जो हम लोग बदल सकते हैं और वो हमारे हाथ में है। वो क्या है? वो आपके विचार, आपकी मानसिक गतिविधि, कल्पना और आपकी इच्छा शक्ति को कौन रोक सकता है, कौन बाधित कर सकता है? सिर्फ आप ही किसी दूसरे को ये शक्ति दे सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क की नवीनीकरण करके कायाकल्प कर सकते हैं, ये एक नव जीवन की कुंजी है। आपका मस्तिष्क एक रिकॉर्डिंग मशीन है और आपके द्वारा स्वीकार किए गए सारे विश्वास, छाप, राय और विचार आपके ज़्यादा गहरे अवचेतन मन पर छाप छोड़ते हैं, लेकिन आप अपने मस्तिष्क को बदल सकते हैं। आप इसी समय अपने मन को उदात्त और ईश्वरीय विश्वासों से भर सकते हैं। इस तरह आप खुद को भीतर की असीम आत्मा के सामंजस्य में ला सकते हैं। आपके अंदर जो भीतर आत्मा की असीम शक्ति है उसके साथ आप तालमेल बना सकते हैं। सौंदर्य, प्रेम, शांति, बुद्धिमत्ता, सृजनात्मक विचारों का दावा करें और असीम इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा, आपके मस्तिष्क के शरीर और परिस्थितियों का कायाकल्प कर देगा। आपका विचार आपकी आत्मा, आपके शरीर और भौतिक जगत के बीच का माध्यम है। क्या कहा गया है यहाँ पर, गौर करें इस बात को। आपका विचार आपकी आत्मा, आपका शरीर और भौतिक जगत के बीच का माध्यम है, है ना। कायाकल्प तब शुरू होता है जब हम उन गुणों पर मनन करते हैं, सोचते हैं और अपनी मानसिकता में सोखते हैं जिनका हम अनुभव करना चाहते हैं और जिन्हें हम व्यक्त करना चाहते हैं। सौंदर्यिक ज्ञान अच्छा और ज़रूरी है। हमें ये जानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बहरहाल, वास्तविक कायाकल्प पूरी तरह से अंदरूनी उपहारों को प्रेरित सक्रिय करने पर निर्भर करता है। वो अदृश्य अमृत और आध्यात्मिक शक्तियाँ जो हम में से प्रत्येक को पूरी तरह दी गई है। क्या कहा जा रहा है, बात को भी गौर करें, बहुत अच्छी बात यहाँ कहा गया है कि हमारे अंदर जो अदृश्य अमृत और आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो आपके भीतर ज़्यादा है, वो मेरे भीतर कम है, या वो उनके अंदर ज़्यादा है, उनके भीतर कम है। सबको बराबर तौर से दिया गया है, सबके अंदर बराबर शक्तियाँ हैं। जैसे सबके लिए बराबर ऑक्सीजन है, जैसे सबके लिए बराबर पानी है, जैसे सबके लिए बराबर ये आसमान है। तो प्रकृति का जो भी चीज़ है, जो बाहर है, जो हमारे भीतर है, वो सबके लिए बराबर रूप से दिया गया है दोस्तों, लेकिन वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो वही डॉक्टर ये कह रहे हैं यहाँ पे कि सबको बराबर रूप से दिया गया है। ये और सिर्फ यही अतीत को, दुख और कष्ट के बंधनों व दावों को अंततः पूरी तरह से तोड़ और घोल देता है। इसके अलावा ये दिल के घावों और भावनात्मक दर्द का उपचार करता है। हम सभी मानसिक शांति चाहते हैं, है ना। हम सभी इंसान जो हैं वो एक चीज़ चाहते हैं, वो होता है मेंटल पीस। मानसिक शांति चाहते हैं और हमें इसकी ज़रूरत होती है, जो सबसे बड़ा उपहार है, ताकि हम इसे अपने परिवेश में ला सकें। मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से दैवी शांति पर मनन करें। कल्पना करें कि ये हमारे दिलो दिमाग में भर रही है, हमारे पूरे अस्तित्व में सरोवर हो रही है। सबसे पहले कहें, शांति इस घर में आए। अगर आप शांति के अभाव, असामंजस्य, दुख और मन मुटाव पर मनन करते रहें और फिर शांति मिलने की उम्मीद करें, तो ये वैसा ही है जैसे कि आप सेब फल का बीज बोएं और नाशपाती के फल मिलने की उम्मीद करें।
है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर दूसरे मर्ज ये कह रहे हैं कि हम अगर अभाव हमेशा इस तरह से सोचते रहेंगे कि हमारा अभाव है, हमारे हमारा इस चीज़ का अभाव है, हमारा हमारे इस चीज़ों में असामंजस्य है, हमारे जीवन में दुखी दुखी खत्म नहीं होती है, हमारे जीवन में दुख खत्म ही नहीं होती है, मन मुटाव हमारा लगा ही रहता है, तो हमारा भाव अगर इस तरह से रहेगा और साथ में हम शांति भी चाहते हैं तो ये कैसे संभव है। ये उसी तरह का बात हो गया ना कि हमने सेब का बीज बोया और हम नाशपाती के फल का उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे नाशपाती मिल जाएगा। इसमें कोई समझदारी नजर नहीं आती है, ये तर्क के सारे बोध का उल्लंघन कर देता है, लेकिन संसार का यही तरीका है। इसे हासिल करने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को बदलने का तरीका खोजना चाहिए, फलस्वरूप नवीनीकरण तथा कायाकल्प होगा और स्वाभाविक परिणाम के रूप में होगा। ये वांछनीय और आवश्यक है कि हम अपने जीवन का कायाकल्प कर दें, संसार के तरीके का अनुसरण करना छोड़ दें, यानी पहले हो चुकी या प्रकट घटनाओं के अनुसार चयन या फैसला नहीं करें और भौतिक घटना के पीछे के कारण को तय करना शुरू करें और मानव निर्मित सिद्धांतों, रूढ़ियों और रिवाजों के बजाय गूढ़ असली नव विचार के आंतरिक क्षेत्र में दाखिल हो जाएं। मेटाफिजिक्स सब आधुनिक संगठित आंदोलन का पर्याय बन चुका है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले अरस्तु ने किया था। कुछ लोग मेटाफिजिक्स को उनका महानतम ग्रंथ भी कहते हैं, जो उनका तेरवा वॉल्यूम था। शब्दकोश की परिभाषा उसमें इस तरह से उसमें बताया गया, तेरवा वॉल्यूम था, उसमें ये बताया गया है कि प्राकृतिक विज्ञान से परे विशुद्ध अस्तित्व का विज्ञान। मेटा का अर्थ है ऊपर या परे। जो उनका तेरवा वॉल्यूम था, शब्दकोश की परिभाषा है प्राकृतिक विज्ञान से परे विशुद्ध अस्तित्व का विज्ञान। विशुद्ध अस्तित्व का विज्ञान मेटा का अर्थ है ऊपर या परे। तो मेटाफिजिक्स का अर्थ हुआ भौतिक से ऊपर या परे, शारीरिक से ऊपर या परे, स्वरूप के संसार से ऊपर या परे। मेटा इसके ऊपर है, मेटा मस्तिष्क का भाव है, इन सारी चीज़ों के पीछे है मेटा मस्तिष्क। बाइबल के अनुसार ईश्वर का भाव अच्छा है। बाइबल के अनुसार जो लोग ईश्वर की आराधना करते हैं वो आत्मा या सत्य की आराधना करते हैं। जब हम में अच्छाई, सत्य, सौंदर्य, प्रेम और सद्भाव की भावना होती है तो ये दरअसल हमारे भीतर का ईश्वर है जो हमारे माध्यम से काम कर रहा है। ईश्वर, सत्य, जीवन, ऊर्जा, आत्मा, क्या इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता? इसे परिभाषित कैसे किया जा सकता है? इसे परिभाषित करना, इसे सीमा में बांधना है। ये एक सुंदर पुराने ध्यान में व्यक्त किया गया है। क्या व्यक्त किया गया, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग कि अपने सबसे आंतरिक अस्तित्वों में एक सा पूर्ण अविभाजित पूरा आदर्श मैं अविभाज्य हूँ, कालातीत हूँ, मैं अविभाज्य हूँ, कलातीत हूँ, निराकार हूँ, उम्र से रहित हूँ, बिना चेहरे, रूप या आकृति का हूँ, मैं हूँ मौन विचार मग्न उपस्थिति जो सभी स्त्री पुरुष के हृदय में आसीन हूँ। हमें ये विश्वास और स्वीकार करना चाहिए कि हम जिसको भी सच होने की कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं वो घटित हो जाएगा। हम दूसरों के लिए जो भी कामना करते हैं वो दरअसल हम खुद के लिए ही कर रहे हैं। इमर्सन ने लिखा था, हम वही हैं जो हम दिन भर सोचते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में कहें तो आत्मा, विचार, मस्तिष्क और मेटा सभी चरम सृजनात्मक उपस्थिति और शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं।
जैसे ये प्रकृति में है भौतिक नियम के अनुसार। सारी शक्तियाँ का इस्तेमाल दो तरीके से किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर पानी हमारी सफाई कर सकता है या हमें डुबा भी सकता है। बिजली जीवन को ज़्यादा आसान बनाने वाली शक्ति दे सकती है या फिर घातक भी बन सकती है। कोई भी क्रोधित देवी देवता हमें दंड नहीं दे रहा है, हम खुद मन का दुरुपयोग करके खुद को दंड दे रहे हैं। हमें वरदान या लाभ तभी मिलता है जब हम इस बुनियादी सिद्धांत और उपस्थिति को समझ लेते हैं। तब हम किसी नए विचार या पूरी अवधारणा को सीख सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। मेटाफिजिक्स आध्यात्मिक विचारों की ओर वैसे ही जाती है जैसे वैज्ञानिक भौतिक संसार की ओर जाते हैं। वो मन या परम कारण की जांच करते हैं जिससे दिखने वाला संसार प्रकट होता है या निकलता है। अगर मन बदल जाता है या कारण बदल जाता है तो परिणाम भी बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पैरा से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो में कही गई बातें अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में सेम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, धन्यवाद।